मेरी टिकटॉक वालों से गुजारिश है, अली की पेशाब की जगह में पेशाब नहीं आ रहा, उसकी टिकटॉक आईडी बैन कर दी। तो प्लीज मेरी गुजारिश है, एक तो वैसी रजब बट सिस्ट्रोलॉजी इन लोगों ने हमारी हाइप डेट कर दी, इतने मसले हैं टिकटॉक में, कुत्ते की नस्ल लेट जा। फिर हम थोड़े बहुत पैसे कमाते हैं, थोड़ी गंदगी फैलाते हैं, और उसके बाद अली की 20 मिलियन वाली आईडी आपने डीएक्टिवेट कर दी। अली के फैंस इतना पागल हो रहे हैं, इतना पागल हो रहे हैं, उनकी भी पॉटी फंस गई है। उस दिन भी हम एक पंचर वाले की दुकान पे गए, वो पंचर वाला हमारा फैन कहने लगा कि अली की वीडियो काम आएगी। कुत्ते की नस्ल तो क्या हाल है, फिर से वापस अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो भाई साहब वादे और कमिटमेंट के मुताबिक एक दफा तुम्हारा भाई फिर से हाजिर होता है नया रोस्ट लेके। तो क्या नाचो भाई? रोस्ट शुरू होने से पहले हम सुनाएंगे आपको एक शेर। बासिल की सेटिंग का नाम है एजल, बासिल की सेटिंग का नाम है एजल, आज हम करेंगे रोस्ट राबिया फैसल। क्या सोच है रे तेरी? भाई साहब ये बंदी कितनी सुस्त है, इसका सुस्तपना इसके मुंह पर आ रहा होता है। राबिया को देख के ऐसा लगता है कि ये बिचारी बड़ी मजबूरी में जिंदगी गुजारती है। मुझे पता है ये पैदा भी एक मजबूरी में हुई होगी, लोगों के बच्चे पैदा होते हैं प्यार की वजह से, और ये बिचारी पैदा हुई अपने बाप की कब्ज की वजह से। तो चलो शुरू करते हैं रोस्ट और डालते हैं इसकी वीडियोस पे नजर। पिशु मिशु क्या हाल चाल है? आ पिशु पिशु क्या पिएगा मेरा पिशु? अरे मेरी बहन इतना कूल बनने की कोशिश मत कर, नहीं है तू शक्ल से गरीब ही लगती है। मैं गरीब हूँ मेरी बहन एस्ट्रोलॉजी की वाइफ, तू एक ऐसी लड़की है जिसकी शक्ल दिखा के बचपन में फैसल साहब ने बहुत सदके के पैसे लिए। तो गाइस पापा पहली दफा दुपट्टा पहनने लगे, कितने क्यूट लग रहे हैं करते और पापा लग रहे हैं पूरी राबिया जैसे। मैं क्या मेरा मेकअप दिख रहा है आपको? पापा जी काश ये दुपट्टा खुद पहनने के बजाय आपने अपनी बेटियों के सर पे पहनाया होता। अरे बाबा लेकिन डॉलर भी तो आने भाई। देखो पापा जी दुपट्टा भी पहनना पड़ेगा, मेकअप भी लगाना पड़ेगा, और अपनी नुन्नो भी कटवानी पड़ेगी, क्योंकि आपकी बेटियां आपसे ज्यादा कमाती हैं। जो औलाद बाप से ज्यादा कमाने लग जाए तो समझ जाओ अब उन्हीं की चलेगी, फिर चाहे वो आपको लड़की बनाए या खुसरा बनाए। खैर खुसरे जैसे तो आप शुरू से ही हो। रहेगी लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको बताने लगा हूँ पैसा कमाने का सबसे आसान तरीका जिससे आपका भाई भी कमाता है। तो जल्दी से भाग के जाओ, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करो और बाकी बताता हूँ। तो गाइस बिनोमो खुलता है आपके सामने, इस तरीके का डिस्प्ले आ जाएगा, आपने जाना है सीधा रियल अकाउंट में। अगर आप सीखना चाहते तो आप जाइए सीधा डेमो अकाउंट में। तो चलो भाई उसके बाद हम करते हैं यहाँ से पैसे सेलेक्ट। हम तकरीबन लगाएंगे तकरीबन 20,000 रुपए, फिर हमने देखना है कि मार्केट अप जाएगी या डाउन। अभी तो अप डाउन चल रही है और मेजोरिटी कह रही है कि डाउन जाएगी, लेकिन हम फिर भी अप पे पैसा लगाएंगे। चलो जी तो ये देखो गाइस हमें हो गया प्रॉफिट। अब मैं बताने लगा हूँ आपको विड्रॉ और डिपॉजिट के बारे में। आप यहाँ डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे, फिर ये आ जाएंगे आपके पास इतने सारे ऑप्शंस, इजी पैसा, जैस कैश, बैंक ट्रांसफर, बाइनेंस पे। फिर मैं आपको बताने लगा हूँ सबसे तगड़ी चीज, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे इंडिकेटर्स, ये आ गए सोशल ट्रेडिंग, ADX, मोमेंटम, CCI, RSI, इन सब का यूज करके आप अपनी ट्रेडिंग को और भी आसान बना सकते हैं। तो देखा गाइस आपने बिनोमो पे ट्रेडिंग करके पैसा कमाना कितना ज्यादा आसान है, तो बस जल्दी जल्दी वीडियो स्टार्ट आ जाओ। अब पापा के लिए हम पीछे से कोई मजेदार से सोचते हैं कि क्या करवाना है। अभी ये तुम लोग कौन लोगो? हीरा कहती है कि मामा मैंने आपके पीछे से पराठा बनाया। आपको पता है मैंने आपके पीछे से एक पराठा बनाया था। अच्छा और तू कहती है कि पापा मैं आपके पीछे से सोचूंगी, तुम लोग पीछे के कुछ ज्यादा ही शौकीन तो नहीं हो? राजा जी मैं हारने के लिए पैदा नहीं हुआ। वाह क्या बात है। पापा जी जो है हारने के लिए पैदा नहीं हुए, तभी दुनिया में सर्वाइव करने के लिए 5 औरतों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सर सारी रातों को स्टिंगे पीती है। अरे फैसल साहब सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ाना था, देख लो स्टिंग को स्टिंगे बोल लिए ये। आप जितनी तेज गाड़ी चला सकते हैं उतनी तेज आज आपने चलानी है, आज आपकी ड्राइविंग स्किल्स देखी जाएंगी। पापा जी आज इसको ड्राइविंग स्किल दिखाई दो, इतनी तेज गाड़ी चलाओगे दानी जैन बन जाओ। तेज चलाई तूने क्यों अपनी गाड़ी? तो
फाइनली हमारा फाइनल हो गया, बहुत अच्छा हुआ, इतना मैम ने तारीफ की, ठीक है। और मैं आप लोग को बताऊंगी कि कितने मार्क्स मिले हैं इसमें। पापा जी देख लो, इनकी यूनिवर्सिटी में हुआ डांस जिसमें आपकी बेटी ने किया डांस, और बाद में घर आके कह रही है कि देखो कितने नंबर आते हैं। देखो भाई नंबर का तो पता नहीं, हाँ जहन्नम में तुझे 10 में से 100 लाजमी मिलेंगे। जहन्नमी जहन्नमी, कटिंग करा लो तुम अपनी, इसका जरा बस कट करा दे पूरा अच्छे से ना, माई मुंडा टाइप बना दे इसको। इसके बाल कटाने से और माई मुंडा बनाने से बेहतर है सबसे पहले इसको इंसान की बच्ची बना। राबिया प्रैंकस्टर ने फिर से किया एक प्रैंक, चलो देखते हैं। ये चारों पांचों बहनें बहुत बड़ी प्रैंकस्टर हैं, कभी ब्लड प्रैंक करती हैं, कभी एक्सीडेंट प्रैंक करती हैं, कभी कोई ना कोई प्रैंक करती रहती हैं। ये लोग बिल्कुल वो वाली हिस्ट्री क्रिएट कर रही है, शेर आया शेर आया शेर आया। एक दिन सच में जब तुम लोगों को मौत आ जाएगी ना, तुम्हारे अम्मा पापा बोलेंगे प्रैंक कर रहे हो प्रैंक। खैर हम लोग अब आ गए हैं यहाँ पे, आप ही घर आ गई हूँ मैं, अब सेफ फील कर रही हूँ अपनी बड़ी बहन के घर। लानत तेरी जिंदगी पे, अरे देख लिया हो रही है तेरी बेस्ती, सेम फील करने वाला मोमेंट देख उसको, कैसे देख रही है तुझे। लानत तेरी जिंदगी पे, घर की औरतें सेफ नहीं है तेरे साथ। तो पास हो गया मुझे, एक दफा मैंने बोला मुझे बड़ी भूख लगी है, मुझे नहीं पता बेचारा तपता हुआ बुखार में कहाँ से पिज्जा लेके आया। लैंड क्रूजर के लिए इतनी तो एक्टिंग करनी पड़ेगी ना अरीब को यार। सरप्राइज, एक्टिंग है। वो कौन सा जानवर है जो खड़े होकर सोता है? गधा। ये नहीं पता होगा, गधा ही रहा सीरियसली, गधा घोड़ा पीछे। अगर यहाँ पे पापा फुल तैयार, पापा आज आप इतना तैयार क्यों हुए? ओ भाई साहब, बहन की आज टट्टा चमक रहा है। अब इसका ये वाला व्लॉग ही देख लो। आ मेरे लव, बड़ी दर्द है। आ आ खबर है, ये देखिए गाइस, अब आंखें बंद करके देखो। आ मेरे दर्द है। आ खबर है, ये देखिए। चलो मैं जूते जज करती हूँ, जूते तो किसी के नहीं अच्छे लग रहे, ठीक है तो बस मामा के अच्छे लग रहे हैं। अरे जाहिल औरत, उसको चप्पल कहते हैं जो तुम्हारी मामा ने पहनी है, जूता नहीं बोलते। आज गाइस हम लोग साइकिलिंग करेंगे। साइकिल की स्टोरी तैयार हो गई, अब तो ब्लॉग भी आ गया कि देखो ना शादी वाली रात बताएगी। देखो यार मैंने ब्लॉग बनाया है ना साइकिल का, मैं झूठ नहीं बोल रही, अल्लाह की कसम ब्लॉग पढ़ा। फिर पापा ने कह दिया था कि गंदी हरकतें देख के लगता तो मम्मा पे गई। कितनी बुरी बात है, गंदी हरकतें देख के लगता है शायद मम्मा पे गई है। आपकी मम्मा गंदी हरकतें करती थी? बैठा होगी गंदी हरकतों की वजह से तुम लोग पैदा हुई हो। भाई अंकल भी आ गए हैं, दूध वाले अंकल भी आ गए हैं, मम्मा दूध लेंगी। अरे बहन ब्लॉग बनाने से पहले सोच तो ले तुझे बोलना क्या है, मम्मा भैया को दूध देंगी या दूध मम्मा भैया को देगा? ये दूध पिलाई की बात नहीं करो हमसे, हम इसे से कर लोगे। तो गाइस फातिमा ने अपनी ले ली है, ज़ैनब ने अपनी ली, ज़ैनब फातिमा ने अपनी ले ली, ज़ैनब ने अपनी ले ली। तुम लोग क्या कर रहे हो, ये कैसी फैमिली हो तुम लोग, आपस में ही ले रहे हो एक दूसरे की, जब ले ही लेते हो तो फिर शादी क्यों की तुम लोगों ने करा की भाई। मस्ती करनी नहीं, लोग अभी यहाँ पे आए तो यहाँ पे कुत्ता आ गया। शू शू, क्या कर रहे हो यार फैसल साहब, कभी तो उनको अकेला छोड़ दो यार, अकेले घूमने आइए, पीछे पीछे आ गए। सो भाई साहब वीडियो इज गोइंग टू एंड, अगर वीडियो का कोई भी पार्ट अच्छा लगा तो अपना फेवरेट पार्ट लाजमी कमेंट करना। और हाँ, अभी जो अली हैदराबादी ने जो हरकतें की हैं, क्या इस सब चीजों पे इसको रोस्ट किया जाए? अगर किया जाए तो फिर नीचे कमेंट सेक्शन है भाई, भर दो। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखो, आई लव यू।